मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 सितंबर, फ्राइडे है। अभी मैं रेडी होकर जा रही हूँ, जैसे कि देख सकते हैं। बस वेट कर रहे सुमित के लिए, वो अपना बहुत लेट करता है अपने आप को रेडी करने में। मैं खड़े होकर आ गई हूँ, अंदर से चिल्ला रहे हैं। 10 बज चुका है, मेरा 9:30 बजे जाने का बात था, लेकिन 10 बज चुके। देखिए कितना लेट कर, अब भी तक नहीं आ रहा है वो। जल्दी आइए। दीवार ना पूरा डैम की वजह से ऐसा है, थोड़ा सा डैम्पनेस है ये घर में। अंदर से तो समझ में नहीं आता है, ये वाला वॉल में समझ में आता है, बेड के सामने वाला हिस्सा। कितना सारा वायर है, इसको इकट्ठा करके रखने से कितना अच्छा दिखता, नहीं तो जंगल जैसा दिख रहा है। आ रहा है फाइनली सुमित, बहुत लेट करता है, बहुत लेट। सबसे पहले तैयार मैं होती हूँ, सबसे लेट मैं सोती हूँ वीडियो एडिट करके, उसके बाद सबसे पहले मैं ही उठती हूँ। और वो देखो, वो जल्दी सोते हैं, लेट उठते हैं, फिर भी नहीं रेडी होते हैं। आओ ना, मेरे हाथ दुख गए, देखो आ गया। बहुत गर्मी है वैसे, क्लाउडी वेदर है, गर्मी भी है। आओ ना जल्दी, बहुत लेट करता है। कल मेरा पैर पे चोट मार दिया उसने, रास्ता क्रॉस करने गए तो चोट लग गया पैर पे। मेरा लिपस्टिक ऐसा लग रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है ना? अच्छा बेटा, अच्छा। चलिए अभी रास्ता क्रॉस करके जाना है होटल, मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे। क्या, चलो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे। काला फेट कर दिया। गुड इवनिंग फ्रेंड, अभी ऑफिस से घर आ चुकी हूँ, अभी जा रहे हैं शोरूम पर। मुझे लैपटॉप लेना है क्योंकि वीडियो एडिटिंग वगैरह ना बहुत दिक्कत होता है करने में, फोन पे मैं एडिट करती हूँ तो इसलिए। तो फाइनली देखते हैं कौन सा लैपटॉप लेते हैं। गाइस, लैपटॉप लेने के लिए हम आए हैं वापी क्रोमा शोरूम में। यहाँ पर अच्छे अच्छे लैपटॉप मिलता है, तो वो देखने के लिए आए हैं। लेकिन हम लोग लेंगे कुछ और जो दिमाग में सोच के आई हूँ, अगर वैसा ही मिल जाए तो हम परचेस कर लेंगे। आखिरकार हम कौन सा लैपटॉप लेने वाले हैं ये जानने के लिए आपको मेरे ब्लॉग में बने रहना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड अभी तक अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक भी जरूर कर देना। तो चलो बने रहिए, देखते रहिए मैं कौन सा लैपटॉप लेती हूँ। लेकिन गाइस, मुझे लैपटॉप चाहिए जिसके लिए हम आए हैं क्रोम में, वापी में। ये क्रोम शॉप है लैपटॉप का, साथ में है सुमित और सर, वो लोग सर्च कर रहे हैं इधर। मुझे जो चाहिए था वो वाला तो मिला नहीं, तो अभी हम लोग नेक्स्ट लोकेशन और नेक्स्ट शॉप ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हम लोग को जो लैपटॉप चाहिए वो है कि नहीं, वो देखने के लिए। और वो देखिए उधर गणपति बप्पा बना रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सामने ये एक क्या है, शुभम टावर नंबर 1 फ्लैट है सामने।
मैं खड़े खड़े बोर हो रही हूँ, ये दोनों सर्च कर रहे हैं। जब भी कुछ भी चीज़ का मैं उम्मीद करती हूँ ना, ये मिल जाएगा, लेकिन आखिरकार वही चीज़ मिलता नहीं है। लेकिन मन उदास करने का कोई बात नहीं है, मैं फाइनली मैंने लैपटॉप ऑर्डर कर चुकी हूँ जो मेरा 7 दिन के अंदर आने वाला है। मैं कौन सा लैपटॉप परचेस किया वो आपको बताऊँगी 7 दिन के बाद। तो 7 दिन के बाद मेरे पास लैपटॉप हो जाएगा और भी अच्छे से मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँगी, ब्लॉग एडिटिंग कर पाऊँगी आप सबके लिए। इतना मेहनत कर रही हूँ तो प्यार ज़रूर देना। बस अभी शाम के टाइम है फ्रेंड, थोड़ा सा हल्का फुल्का भूख लग गया है, तो हल्का फुल्का भूख को मारने के लिए मैं अभी आई हूँ। हमेशा मैं आती हूँ यहाँ पर, अगर आप मेरा पुराना व्यूअर्स है तो आपको पता ही है मैं जब भी वापी आती हूँ अक्कर बक्कर बॉम्बे बो में जो वेज रेस्टोरेंट है, मैं इधर से मैं कुछ ना कुछ खा के ही जाती हूँ। क्या खाती हूँ आप कॉमेंट करके जल्दी बताइए। अभी आया है चीज बॉल। ये किधर जाएंगे बताइए, नीचे गरम गरम। हमेशा आपने देखा है मैं जब भी आती हूँ अक्कर बक्कर बॉम्बे मुँह में गार्लिक चीज़ ब्रेड ऑर्डर करती हूँ फ्रेंड। उसका क्वालिटी तो अच्छा रहता है इसलिए, और खाने में भी बहुत टेस्टी है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ भी खाने में वो स्वाद नहीं था जो पहले था। तो अभी हम लोग का थोड़ा सा हो गया शाम का नाश्ता, तो अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। घर जाके फिर खाना बनाना पड़ेगा, तो मिलते हैं घर में। आकर थोड़ा सा चाय बना रही हूँ, मिल्क टी बना रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है इसीलिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं सर दर्द हो रहा है इसलिए थोड़ा मैंने बोला। तो चाय मैंने बना लिया, इसको छान लेते हैं इसको इधर रख के। मैं आज डिनर में बनाने वाली हूँ लौकी का दाल। मूंग दाल खत्म हो गया तो इसलिए मैंने मसूर का दाल यूज कर रही हूँ। इधर टमाटर मैंने दे दिया है काट के, लौकी दे दिया, दाल भी दे दिया साथ में, और ग्रीन चिली दे दिया है साबुत, थोड़ा सा तीखा तीखा खाएंगे इसलिए। इसको अभी स्टीम होने के लिए चढ़ा दिया है, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, चाय भी छान लेती हूँ। ब्लॉग शूट करने के चक्कर में ना मुझे एक ही हाथ में सब कुछ करना पड़ रहा है, और अभी इस टाइम पे ट्राईपॉड लगाकर मैं शूटिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी में खाना बनाना है, आज डिनर में बहुत कुछ बनाना है। तो फटाफट मैं हाथ पे कैमरा होल्ड करके शूट कर रही हूँ। देखिए मेरा चाय भी मैंने छान लिया है, अभी चाय पीते हैं बाहर का नज़ारा का मजा लेते हुए। और ये देखिए मैंने चढ़ा दिया है कुकर, और इधर ना ये भोला फिश है फ्रेंड, इसको भी फ्राई करके रख लूंगी। ये कल मैंने फ्राई करके रखा था क्योंकि कल मैं मार्केट गई थी, थोड़ा एक्स्ट्रा फिश लेके आ गई थी आज के लिए, तो ये फिश को मैं फिर से फ्राई करूंगी। चलिए कुकर का सीटी एक दो बजते बजते मैं थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ बाहर चल के। नजारा का देखिए, पैर से मैं दरवाजा खोल रही हूँ, ये रखा। और मून देखिए कितना बड़ा, एकदम राउंड राउंड मून। कुकर का सीटी भी आ गया, मैंने चाय का सिप भी नहीं लिया। मैं फिर से फ्रेंड अंदर आ गई क्योंकि कुकर से ना पानी गिर रहा था, तो इसलिए भाग के आई। हाँ अभी सही है। और मैं 3 सीटी लगाकर कुकर को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, फिर मैं राइस चढ़ा दूंगी। देखिए राइस मैंने चढ़ा दिया है, तो चलिए अभी मजा लेते हैं चाय की। आप सोचेंगे कितना बार ये बाहर जा रही है अंदर आ रही है, बाहर जा रही है अंदर आ रही है। ये देखो आ गई चाय को लेकर, बाहर का नजारा देखते देखते चाय पीती है। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग एवरीवन, आपसे मिल रही हूँ बहुत दिन के बाद। बहुत दिन बोले तो मैं ब्लॉग स्टार्ट किया था 1 तारीख को, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। आज है
आज है सितंबर का 4 तारीख और मंडे है, और मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ क्योंकि इन दिनों में थोड़ा सा मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। आप मेरा फेस रीड कर सकते हैं फ्रेंड, देखिए मेरा फेस पूरा सूज गया है इस तरफ का, तो वीडियो में पता नहीं चल रहा है लेकिन पूरा इस तरफ का फेस सूज गया है। इस तरफ का ना पोर्शन इतना दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ, नहीं सह पा रही, इतना दर्द हो रहा है मेरा। और इतना सारा वीडियो वगैरह था ना एडिटिंग करना, मैं इसलिए डिले हो रहा था। वीडियो भी बहुत सारे पड़ा हुआ है जो अभी तक मैंने एडिट नहीं कर पाई, वो सब वीडियो को एडिट करना है। लेकिन आँख खोल रही हूँ ना तो इतना दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए मैंने आज ऑफ लिया था। तो सुबह से सोई थी, थोड़ा सा दर्द तो कम नहीं हुआ है लेकिन उल्टा मेरे आँख में पेन होना स्टार्ट हो गया है। खुल के कैमरे की तरफ नहीं देख पा रही हूँ, किसी रोशनी की तरफ नहीं देख पा रही हूँ। अगर देखने जा रही हूँ ना, आँख से पानी गिर रहा है और सर दर्द स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बस मैं ये ब्लॉग शूट इसलिए कर रही हूँ वीडियो को दी एंड करने के लिए। आप सब सोचोगे इतने दिन के बाद ये वीडियो जा रहा है, क्योंकि मैं 1 तारीख का वीडियो 4 तारीख में दी एंड कर रही हूँ। आप सोचो क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा बहुत तबीयत खराब था इसलिए। अभी थोड़ा ठीक है, देखती हूँ, मेडिसिन लिया है, मेडिसिन का हल्का सा असर हुआ है। सुबह से मैं कुछ नहीं कर पाई, ना खाना बना पाई, ना कुछ वीडियो शूट कर पाई, ना कुछ कर पाई। जस्ट अभी उठी हूँ, फ्रेश होकर थोड़ा सा बैठी हूँ। गैस भी खत्म हो गया है, सुमित गया है गैस भराने के लिए, वो ऑफिस में है, ऑफिस से जब छुट्टी होगा तब गैस भराने के लिए जाएगा। और मैं बैठी हूँ ऐसे ही, अच्छा नहीं लग रहा था, फिर सोचा नहीं चलो धीरे धीरे करके ये वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो देखा मैंने 1 तारीख को वीडियो शूट किया था, फिर शोरूम पे गया था, ये सब वीडियो, फिर आप पता चला कि मैं तो वीडियो एंड करना ही भूल गई। बस फ्रेंड, मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे दी एंड करती हूँ। आई रियली होप आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। और आप सब सोचोगे मैं कौन सा लैपटॉप ऑर्डर किया है ऑनलाइन से, वो आपको पता चलेगा, अभी से नहीं बताऊंगी, वो पता चल जाएगा मेरे ब्लॉग में मैं जब अनबॉक्सिंग करूंगी तब। और लेकिन ये बता दूं, मैं डिजिटल एंड्रॉयड वाला लैपटॉप ऑर्डर किया है। अभी आप सोच लीजिए कौन सा वाला मैंने ऑर्डर किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।